नहीं वैसे एक चीज तो देखती फैशन के मामले में ना, मैं ना अपना जलूसी निकाल के रखता हूँ भाई। साला सॉक्स के साथ चप्पल कौन डालता है, वो भी मार्केट जाते हुए। अच्छा मेरा इनिशियल प्लान तो जूते डालने का था, बट पता नहीं दिमाग ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बट भाई जलूस निकल गया। कल का व्लॉग देखा होएगा तो तुम लोगों को ज़रूर याद होगा कि कल शाम को अपन लोग 7 सेक्टर पंचकूला गए थे। एंड भाई वहाँ पे ना कवर वाले मेरे भैया हैं अनिल भैया, वो काफ़ी अच्छे जानकार हैं मेरे, उनसे मेरी बात हुई। मैंने ना कल सबसे पहले अपने फ़ोन का कवर मंगवाया उनसे, एंड उन्होंने कहा था भी आज तक आ जाएगा। अब आई डोंट नो आज आया होएगा, वो शाम तक नहीं आएगा, पता नहीं, तो शाम में जाके ही पता चलेगा। बट भाई मेन एम वो नहीं है, मेन एम अभी मेरा ना फनफ्लिप्स खाने का मन कर रहा है, क्योंकि ये मैं कल रात के लिए लेके आया था। बट कल रात को भाई अपन लोगों को गप्पे मार, मेरे कज़न भी आ रखा है, मतलब मेरी बहन भी आ रखी है, कज़न बहन मामू की लड़की। भाई कल रात को अपन लोगों को भाई टाइम इतना ज़्यादा लग गया, इतना ज़्यादा 12-1 बजे गप्पे मारते मारते, एंड फिर उसके बाद उसने पढ़ाई करी है 3 बजे तक। मैं भाई मैं तो कभी ना कर पाता जी अपनी बुआ के घर आता, बट भाई उसकी भी 12th की पढ़ाई है, उसको सीरियस होना ही पड़ेगा। वैसे भी उसने कॉमर्स ले रखी है भाई, हमारे जैसे को देख लो साले, वो की मतलब वो जो बार है ना उसने इतना हाई सेट कर दिया ना। मेरी बहन ने भी आर्ट्स ली थी, वो तो खैर चलो उसका तो कैरियर ही डिफरेंट है। मैं एक साला ऐसा था जिसने वोकेशनल ली थी, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल पंखे ठीक करे थे भाई हमने। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। अच्छा मेरे को ना अभी याद आया, मतलब सारा नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। मैंने 10th में कुछ ज्यादा खास नंबर नहीं आए थे, मतलब 60% आए थे। एंड फर्स्ट काउंसलिंग में ना मेरे को ना एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 19 मॉडल में, मतलब यार तुम लोगों से स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आज, स्टोरी टाइम समझ लो, कि मेरे ना 19 मॉडल में तो एडमिशन हो ही जाएगी। अगर तो जो चंडीगढ़ से उसको पता है भाई कि 16 मॉडल क्या चीज़ है, मैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था ना, इतना ज़्यादा कहने की हद नहीं। सबसे ऊपर मैंने भरा 19 मॉडल आर्ट्स में, एंड उसके बाद भाई तो क्या है बुद्धबंदी हुई, क्योंकि 19 में तो मेरी एडमिशन हुई हुई है। साली कट ऑफ मेरे हिसाब से 65 की निकली थी 19 के, एंड भाई 5% से तुम्हारा भाई रह गया था। एंड फिर सेकंड काउंसलिंग में भाई मैंने 20 के 20 कुल फील करे थे, एंड में जाके 23 मॉडल में दो मैंने अपनी स्ट्रीम्स फिल करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड दूसरी ये ऑटो एसीआर। एंड भाई सब उन्हीं दोनों में ही मेरा नाम आया था और किसी में नहीं आया। आर्ट्स में तो तुम्हारा भाई कर जाएगा, चलो ठीक है, जेडी भी है, डिग्री ठीक है लो, बट भाई नाउ आई कैन कंसिडर माई सेल्फ एज एन इंजीनियर। अभी तो खैर अपन लोग सेमी तैयार हो लिए, आज अपन लोग ऑफिस तो जाना है नहीं, बट मीटिंग में जरूर जाना है। एंड 11:30 के करीब अपनी मीटिंग है, अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 9:45 बज रहे हैं, तो अभी आराम से अपन लोग थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। अपना पाई ये चाबी क्यों नीचे गिर रखी है भाई हमारे घर पे ना, ये देखो कितनी सारी चाबियाँ होगी, हर एक व्हीकल की, हर एक गाड़ी, हर चीज़ की ना, ये भी बढ़िया चाबी। लोग तो आराम से वेट करते हैं, जैसे ही 11 बजेंगे अपन लोग फटाफट निकल लेंगे, बट उससे पहले अपना ब्रेकफास्ट भी करते हैं। यार 3 मिनट का ना तुम लोगों को मैंने स्टोरी सुना रही हूँ, हाउ आई चूज इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एज माई +2 कोर्स। वैसे तो अपन लोगों का ब्रेकफास्ट पूरा पूरा रेडी हो चुका है, जिसमें बने बढ़िया से कड़ी चावल। वैसे सरप्राइज रखना था, बट भाई कड़ी चावल के मामले में क्या ही सरप्राइज रखूँ। एंड भाई अपन लोगों का ऐसे जब भी मार्केट जाने का प्लान नहीं था, बट आज शाम के लिए अपन लोगों ने कुछ सामान लेके आने हैं। आज शाम को मेरे मामू और भी वापस आ रहे हैं अमृतसर से, तो उन्होंने भी रात को डिनर यहीं करना है, एंड साथ ही साथ पापा का भी डिनर है और 2-3 चीज़ें और हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए अपन लोगों ने जाना है। तो फटाफट चलते हैं, चल के बढ़िया तरीके से मार्केट के काम निपटाते हैं, एंड फिर भाई उसके बाद अपन लोगों ने 1 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग में भी जाना है। नहीं वैसे एक चीज़ तो देखती फैशन के मामले में ना, मैं अपना जलूसी निकाल के रखता हूँ भाई। साला सॉक्स के साथ चप्पल कौन डालता है, वो भी मार्केट जाते हुए। अच्छा मेरा इनिशियल प्लान तो जूते डालने का था, बट पता नहीं दिमाग ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बट भाई जलूस निकल गया। पापा ने भी नो डाउट चप्पल डाल रखी, बट उन्होंने सॉक्स भी डाल रखी यार, ये तो साफ साफ सॉक्स चमक रही है। अच्छी यार क्या मतलब क्या ही करता है वो यार टू भी कभी कभी। तो
आके ऐसा लगता है जैसे पता नहीं गर्मी कितनी ज्यादा हो, कितनी ही ज्यादा, ऐसी ही तैसी फिर जाती है। बट चलो कोई ना, एट द एंड अभी जो आप लोगों का ब्रेकफास्ट एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ मैंने अपनी टी शर्ट भी चेंज कर ली क्योंकि वो ना थोड़ी सी पुरानी पुरानी लग रही थी। वैसे तो भाई मतलब देखने से लगता है ये पुरानी, बट रियल लाइफ में जो इसकी प्यारी फिटिंग आई है ना, वो टच वुड हर किसी को काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड भाई अभी अगर सीन कुछ इस प्रकार है, अभी पापा की वेट कर रहा हूँ मैं, बस मैं तो गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ कि भाई मैं तो गाड़ी थोड़ी सी ठंडी करूँ शीशे वगैरह उतार के। अभी अपन लोगों ने जो कल की मीटिंग पेंडिंग रहेगी थी वो कंप्लीट करने जाना है, एंड बस मैं पापा की वेट कर रहा हूँ। जैसे ही पापा आते हैं अपन लोग फटाफट बैठते हैं एंड निकलते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने ज़्यादा नहीं करा क्योंकि सुबह वो फन फ्लिप से खा के ना मेरा पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटेड है, एंड अब भाई उसको मतलब थोड़ा सा नेग्लिजेंस तो हो ही गई है, तो उसको कट करने के लिए ना मैं भाई अब सीधा शाम में ही खाना खाऊंगा, एंड लाइट खाना खाऊंगा, हैवी खाने का प्लान नहीं है कोई मेरा। तो फटाफट चलते हैं, चल के बड़े तरीके से अपनी मीटिंग निपटाते हैं, तुम लोगों को आराम से मीटिंग निपटाते हैं। स्टीयरिंग व्हील को हाथ लगा रहा हूँ तो हाथ जल रहे हैं, हैंड ब्रेक गियर हो भाई किसी भी चीज को हाथ लगा रहा हूँ ना तो हाथ जल रहे हैं। गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, चल पड़ी भाई, मतलब कसम से इतनी ज्यादा खतरनाक, इतनी ज्यादा खतरनाक गर्मी हो रखी है भाई, मेरे ऐसी की तैसी फिर चुकी है। ओ एंड अभी ना मैं गाड़ी अंदर वाली साइड लेके जा रहा हूँ, मतलब बिल्डिंग में लेके जा रहा हूँ कि भाई फाइलें जो है वो हद से ज्यादा है, एंड मेरे को नहीं लगता कि मैं मतलब कल इतनी सारी फाइलें लेके आ पाऊँगा। वैसे तो पापा भी हैं साथ में, एंड तो इसलिए भाई अंदर ही ले चलो। एंड कसम से जितने गंदे मेरे हाथ इस टाइम पे चल रहे हैं ना, जितने ज़्यादा गंदे भाई मैं ही मतलब वो कर सकता हूँ भाई। साली पार्किंग मिल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गई थी, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया बन रखा है वहीं पर मिल गई थी, बट देन ऑल्सो भाई मतलब क्या ही कह सकते हैं। अभी तो मेरे को ये भी नहीं आइडिया व्लॉग कितना बना, आगे गड्ढा है कितना नहीं बना, ये मेरे हाथ में अगर ना सड़ा होता ना मेरे को, देन दिस वुड हैव बीन मच मच बेटर, बट राइट नाउ इट्स जस्ट इरिटेटिंग। अब लोग खैर फटाफट गाड़ी लगाते हैं, फाइलें वगैरह रखते हैं गाड़ी में जितनी भी है, मेरे को बिना हाथों के गाड़ी चलानी पड़ रही है, स्टीयरिंग व्हील वगैरह इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है ना। फटाफट अपना काम निपटाते हैं फिर निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि भाई अब तो मेरी 5 मिनट बैठ के गाड़ी में ऐसी की तैसी फिर की। एक तो साले स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन के बाद इतनी अजीब अजीब सी ड्रिंक्स आने लगी ना भाई मार्केट में, कहने की हद नहीं भाई, क्या है स्पर्स पुर्स क्या नाम है मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, बट भाई जो भी है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एटलीस्ट पानी तो नहीं पीना पड़ रहा। सो चलो जी फाइनली अभी जो है अपन लोग घर तो वापस आ चुके हैं, एंड घर आते हैं अपन लोगों को दोबारा से जाना पड़ रहा है मार्केट के लिए। एक तो यार मैंने साथ की मार्केट जाना है, अपने फोन के लिए कवर लेना था मैंने, एंड उसके साथ साथ अपन लोगों ने दो जगहों पर जाना है, एक H&M एक Zudio। एक्चुअली मेरी दीदी की फेयरवेल आ रही है, उनकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, मतलब हमारे घर में एक डिग्री होल्ड, वैसे तो डैड और मॉम की भी डिग्री है, बट यार मेरी जनरेशन में ना मेरी दीदी फर्स्ट होंगी, मतलब हमारे कजन के ग्रुप में जो डिग्री होल्ड करेंगे, तो उनकी फेयरवेल आ रही है तो उस करके अपन लोगों ने एक ड्रेस लेके आनी है। अब दो स्टोर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आइदर H&M एंड Zudio। सो भाई पहले अपन लोग H&M जाएंगे क्योंकि वो 9 में पड़ेगा, Zudio 11 पड़ेगा तो दूर पड़ेगा, एंड फिर वापसी में आप लोग साथ भी होंगे क्योंकि साथ में भाई मेरा वो क्या कहते हैं फोन का कवर उठाना है। तो फटाफट चलते हैं, चल के गाड़ी में बैठते हैं, पहले फ्रेशन अप यार वहीं जाके बोलेंगे, एंड देख के आते हैं कोई बढ़िया सी ड्रेस मिलती है।